तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट करने वाले, जो आप पीछे मोटरसाइकिल देख रहे हैं इसी के साथ एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो मैंने पीछे वाली वीडियो में बना के बताया था कि आप दूर बैठे कुछ भी चला सकते हो, उसी वाली वीडियो से हम इस वाली वीडियो का बनाने वाले हैं। तो आपने पहले देखा था कि दूर बैठे कोई भी चीज़ चलाओ, तो उसी किट का हम यूज़ करके आज मोटरसाइकिल में मोटरसाइकिल को बिना छुए स्टार्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। होगा या नहीं होगा, आपके सामने लाइव होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो करते हैं वीडियो को शुरू। शुरुआत में हम यहाँ से डायरेक्ट और सारी जो बैटरी बॉक्स से डायरेक्ट इस स्लब वाली मोटर में कनेक्शन देने वाले हैं, देखने वाले हैं कि डायरेक्ट चालू होती है या नहीं होती है। तो फिर इसको यहाँ पे मैं इस रेड तार को डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो, देख सकते हो। सॉरी गाइज, वीडियो पूरे फ्रेम में नहीं आ पाई, एडजस्ट कर लेना। वायर बहुत तेज से गर्म हो गया, देख सकते हो तार ही मुड़ गया एकदम से, और देख सकते हो स्टार्ट नहीं हो रही, चाबी भी ऑन ही इधर से देख सकते हो। तो मतलब ये डायरेक्ट ये रेड वायर हमारा डायरेक्ट इसके यहाँ पे ब्लैक वायर आ रहा है, लेकिन रेड वायर को यहाँ पे मैंने कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ से तो नहीं होगा। तो एक और वापस से करते हैं और वापस से कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। और मैं इसमें एक चीज़ बता चली है, बस उसका आपको उससे स्टार्ट हो सकती है। तो हम इसमें आपको ये बताने वाले हैं कि वो कौन सी क्या चीज़ है जिससे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको बताते हैं। आपको यहाँ पे ये स्लब बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे इसी के नीचे से मेरे को एक ये स्क्रू मिला है, इसको खोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे स्क्रू को खोल के इस स्लब बटन को खोलेंगे और इसके अंदर से हम वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको खोल के फटाफट से दिखा देता हूँ आपको। जैसे तो स्क्रू यहाँ पे निकल का है, तो इसको आप देख सकते हो ये एकदम से निकल जाएगा आसानी से। आप देख सकते हो ये बटन यहाँ पे, देख सकते हो सोल्डरिंग है, दो वायरों की सोल्डरिंग आपको दिख रही होगी अंदर से, एक तो ये रहे एक ये रहे। तो एक तो यहाँ पे सोल्डरिंग है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे करेंगे और एक ये वायर को यहाँ पे सोल्डरिंग करेंगे, और इन दोनों के वायर को हम बाहर निकालेंगे और हमारी किट के अंदर लगाने वाले हैं। और हमारी किट के अंदर जो स्विच हमने लगाया था ना, वो जैसे ही पुश होगा तो ये हमारी मोटरसाइकिल दूर से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको इसके यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ मैं फटाफट से, तो मैं डायरेक्ट सोल्डरिंग करके आपको डायरेक्ट बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले आपको डायरेक्ट सोल्डरिंग करके दिखाऊँगा। तो दो तार मैंने डायरेक्ट के अंदर से सोल्डरिंग करके निकाल दिया है और इसको वापस जुड़ दिया है, और आप यहाँ पे और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और अभी आपको मैं डायरेक्ट कैमरे पे यहाँ पे लेके आता हूँ, तो कैमरा ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो डायरेक्ट इसके नीचे से ये वायर निकल के आ रहा है, और इसको मैंने वापस से जोड़ दिया है, और कुछ भी नहीं है, वापस वैसी की वैसी है मोटरसाइकिल, कुछ भी नहीं हुआ। और बस इसके अंदर से मैंने ये दो वायर निकाले हैं। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो ये आपने पहले दिखा सकता हूँ, पहले की वीडियो में आपको पहले से बताया है कि ये मैंने बनाया था, इससे आप दूर बैठ के कुछ भी चला सकते हो। तो ये रहा इसका रिमोट, ये आप देख सकते हो। ये किट मैंने आपको, इसकी पूरी नॉलेज देखने के लिए मेरी इसके नीचे वाली वीडियो को देख लेना, और मेरे अबाउट सेक्शन में जाके देख लेना। यहाँ पे और सारा सिस्टम पहले के जैसा है, अब रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ इस मोटर को मैं। ये मोटर जैसे ही इसका इस बटन के ऊपर पुश करेगी, तो ये दोनों टायर एकदम अटैच हो जाएंगे, तो इसके अंदर से हमारा तो ये एकदम एक स्विच के जैसे काम करेगा, वायरलेस स्विच, जिसको हम दूर बैठे भी चला सकते हैं। तो इसके ये एंड वाले दो वायर है ना, इसको हम मोटरसाइकिल के इस दोनों वायरों में कनेक्ट करने वाले, और फिर देखते हैं। तो फटाफट से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, चलो मैं फटाफट से इसके वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने फटाफट से यहाँ पे टेपिंग कर दिए, अब डायरेक्ट इसको टेस्टिंग।
टेस्टिंग दूसरे दिन। यहाँ पे शूट करने वाला हूँ, एक कैमरा आप जो देख रहे हो उसी से शूट होगा दूर से, और एक कैमरा यहाँ पे होगा जिससे आपको इसका सीन, और यहाँ पे ये मोटरसाइकिल आपको बस खड़ी दिखेगी, और उसके अंदर आपको यहाँ पे ये मोटर पे यहाँ पे स्विच को पुश करके दिख जाएगी, तो यहाँ पे आपको बिल हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे यहाँ से सिस्टम इसलिए किया है, और अंदर से भी कर सकता था मैं वायरों में से, लेकिन अंदर से आपको थोड़ा और भी होता कि भाई अंदर से तो कुछ कांच भी कनेक्शन कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ से कनेक्शन किया हूँ, सिंपल कनेक्शन किया है डायरेक्ट यहाँ से, तो आपको डायरेक्ट थोड़ा बिल भी होगा। तो वीडियो की टेस्टिंग करते फटाफट से, मैं फटाफट से कैमरे को सेट कर लेता हूँ और फटाफट से आपको दिखा देते हैं टेस्टिंग दिखाऊंगा। तो इस वीडियो का बस आपको जानकारी और नॉलेज के लिए है, इसका यूज़ उधर भी ट्राई नहीं करें तो ही अच्छा होगा। तो वीडियो की टेस्टिंग करते हैं हम, तो यहाँ पे कैमरा मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें भी चल रहा है भी देख सकते हो इसमें भी चल रहा है, और यहाँ पे कैमरा आपको यहाँ पे इस गाड़ी से दिखाएगा, इसके ऊपर किट के ऊपर आप देख सकते हो, इधर कोई भी नहीं है, डायरेक्ट ही वायर और कुछ भी नहीं है, आप कैमरे के जरिए भी देख सकते हो। तो वीडियो की टेस्टिंग से पहले वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो वीडियो को फटाफट से टेस्टिंग करते हैं, पहले पास से टेस्टिंग करूँगा, फिर दूर से करेंगे। तो पहले पास से तो मैं आपको वहाँ पे आके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने वहाँ पे सारा वहाँ पे चालू कराया है, उसको भी चालू कर दिया हूँ, और मोटरसाइकिल की को भी ऑन करके आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे आपके सामने में डायरेक्ट यहाँ से, और वहाँ पे आप कैमरे में भी देख सकते हो, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिमोट से बटन दबाऊँगा आपके सामने देख सकते हो, आप देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गई, कोई भी नहीं था, आप अब मैं आपसे से दूर से भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो कैमरे को मैं इसके सेट कर देता हूँ और दूर जाके करता हूँ टेस्टिंग। तो मैं वहाँ पे बहुत दूर जा रहा हूँ वहाँ पे, तो आप मेरी आवाज़ आपको कट कट के भी आ सकती है, अच्छी तरह नहीं आ सकती, तो यहाँ पे मैं वहाँ पे बोलूँगा नहीं, तो दूर जा रहा हूँ।